हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 1 से 15 मई 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए इसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में कराटे ओपन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में कराटे ओपन में सुप्रिया जाटव ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, इस कराटे ओपन का आयोजन यूएसए में किया गया था और यहां पर सुप्रिया जाटव ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, 22 नेशनल मेडल सुप्रिया जाटव जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, तरुण कपूर को हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों, 1987 बैच की हिमाचल की ये अधिकारी हैं। अतिरिक्त सचिव हाल ही में प्रधानमंत्री का हरिरंजन राव को और आतिश चंद, इन दोनों को बनाया गया है। तो ये बी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनर देश किसे चुना गया है? तो दोस्तों, भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनर देश चुना गया है। ऑप्शन सी भारत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल का 75वां वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो रैंकिंग है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। प्रत्येक 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वह जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बेंगलुरु। दोस्तों, आपको बता दें, ये दूसरे यूनिवर्सिटी गेम्स जिनका आयोजन किया गया है। दोस्तों, पहले यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का डायरेक्टर हाल ही में किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का डायरेक्टर हाल ही में अरविंद कृष्ण को चुना गया है। ऑप्शन सी अरविंद कृष्ण इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 तक ये न्यूयॉर्क फेडरल बैंक के डायरेक्टर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा विनाश मिशन का प्लान कब तक बनाया गया है? तो दोस्तों, इसरो के द्वारा वीनस जो मिशन है उसका प्लान 2024 तक के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी 2024 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, 2024 में इसरो के द्वारा वीनस पर एक मिशन भेजा जाएगा। वर्तमान में बता दें आपको इसरो के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। तो इसका फॉर्मेशन 1969 में किया गया था, यानी 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके चेयरमैन एस सोमनाथ बन गए हैं नए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों, ये नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, पहले तो आपको इनके बारे में बता दें। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, इन सब मिला के देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। इसका सम्मेलन ये 2022 में दूसरा है। 2018 में पहला सम्मेलन किया गया था और इन सभी का फोकस क्या रहा है? तो आर्थिक बदहाली और क्लाइमेट चेंज, इन सभी देशों का फोकस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, फ्रांस 23वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन सी फ्रांस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, बात आई है फ्रांस की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न है और यूरो और सीएफसी फ्रैंक मुद्रा है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्राइज हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज सेंथेरिया रेजो जविंग के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सिंथिया के लिए यह वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्राइज के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको बता दें। इसका पहला अवार्ड 1987 में दिया गया था और ये अवार्ड यूएस के द्वारा दिए जाते हैं। इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय एमएस स्वामीनाथन थे, जिन्हें 1987 में अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में विधानसभा की कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? तो दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें अब
सात सीटें बढ़ा दी गई हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हाल ही में सात सीटें इसमें बढ़ा दी गई हैं और अब टोटल जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटें हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सतर्क हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसानी नाम का तूफान भारत के किस राज्य से टकराया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से आसानी नाम का तूफान हाल ही में टकराया है। दोस्तों बात आई उड़ीसा की, तो चलिए आपको उड़ीसा के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा की है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल है और नवीन पटनायक यहाँ की मुख्यमंत्री है। राज्यसभा की 10, लोकसभा की 21 सीटें हैं उड़ीसा में। बात करें अगर नृत्य की तो उड़ीसी यहाँ का नृत्य है। गीत की बात करें तो वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का राजकीय गीत है। मैमल सांभर है, पक्षी भारतीय रोलर है, महासीर महानदी महासीर उड़ीसा की राजकीय मछली है, पवित्र अंजीर यहाँ का राजकीय वृक्ष है और भोजन पखाला उड़ीसा का राजकीय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य जीन बैंक बनाएगा? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में जीन बैंक बनाया जाएगा। दोस्तों बात आई है महाराष्ट्र की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। मुंबई राजधानी है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और दोस्तों हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीता सह को किस संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों हाल ही में संगीता सह को CBDT का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1986 बैच की अधिकारी हैं संगीता सह। दोस्तों बात आई है CBDT की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। पहले तो CBDT का फुल फॉर्म आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और फॉर्मेशन 1964 में किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संतूर वादक थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, ये एक प्रख्यात संतूर वादक थे। इनका एज 84 था और इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इंडियन ग्रैंड प्री का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों भुवनेश्वर में इंडियन ग्रैंड प्री का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी भुवनेश्वर सही आंसर होगा। दोस्तों इसका पहला आयोजन मदुरई में किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश से अब इसका आयोजन उड़ीसा की भुवनेश्वर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हेनरी ड्यूनॉन्ट की जयंती पर यह रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम बी ह्यूमन काइंड ये रखी गई है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के दिन को ही हम नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं और आपको पता होगा पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया गया था। हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हमारे मनोज पांडे आर्मी चीफ, इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या रहा है? तो दोस्तों धाकड़ चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको पता है इस जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उनका आयोजन 2022 में पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, तो हमारे वर्तमान के जो खेल मिनिस्टर हैं या खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? तो कुल 5 लोगों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5 लोगों को। आपको इन 5ों के नाम बता दें, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना एहसान, अमित दुबे और मट्टू, इन 5ों को यह पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों दानिश सिद्दीकी जो अभी हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, इन्हें दूसरी बार यह अवार्ड दिया गया है। बात आई है पुलित्जर अवार्ड की, तो आपको बता दें ये अवार्ड यूएसए के द्वारा दिया जाता है, जिसका फॉर्मेशन 1917 में, यानी इस अवार्ड की स्थापना 1917 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP15 की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो दोस्तों COP15 की बैठक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों COP15 का यह 15वां सत्र था। COP14 का आयोजन नोएडा में 2019 में किया गया था। और आपको बता दें COP1 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में 1995 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ जूनियर विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। तो आंसर बी सही अंक होगा। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों इस दिवस की शुरुआत 1974 में की गई थी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगल हैं, इनके जन्मदिन को ही हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार जो इसकी थीम रखी गई वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थीम है नर्स अ वाइफ ऑफ लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की। दूसरा ग्लोबल COVID-19 समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा यूएसए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों COVID-19 के ग्लोबल समिट का आयोजन इस बार यूएसए में किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले ग्लोबल जो समिट किया गया था वह ब्रिटेन में किया गया था। हाल ही में किसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजीव कुमार को हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें सुशील चंद्र की जगह राजीव कुमार अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम सुकुमार सेन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है? तो कैंपबेल विल्सन। ऑप्शन ए कैंपबेल विल्सन को हाल ही में एयर इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। दोस्तों ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? तो ये है मैसी। मैसी फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। दोस्तों इन्हें एक वर्ष में 1,007 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टॉप 10 के द्वारा 7,681 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर लेब्रन जेम्स हैं जिन्हें 940 करोड़ रुपए दिए गए हैं एक साल के, और ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूके। यूके अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 13 गुना ज्यादा बिजली 24 घंटे 7 दिन बनेगी, ऐसा यूके के द्वारा कहा गया है। और ये प्रोजेक्ट 2035 तक शुरू करने की योजना है यूके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों सीबीएसई का नया अध्यक्ष हाल ही में निधि छिब्बर को चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1994 आईएएस बैच की अधिकारी हैं। विनीत जोशी की जगह अब निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष होंगी। दोस्तों बात आई है सीबीएसई की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। फॉर्मेशन 1929 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कलर अवार्ड 2022 हाल ही में किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य की पुलिस। हाल ही में राष्ट्रपति कलर अवार्ड 2022 असम राज्य की पुलिस को दिया गया है। दोस्तों 9वां राज्य है जिसको यह अवार्ड दिया गया है। बात आई असम की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे असम की। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी दिसपुर है। गवर्नर जगदीश मुखी है। सर्बानंद सोनीवाल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 7, लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। नृत्य की बात करें तो बिहू यहाँ का नृत्य है। स्तनपाई एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय स्तनपाई है। पक्षी सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख, ये पक्षी है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा का नया सीएम किसे बनाया गया है? तो दोस्तों मणिक साहा को हाल ही में त्रिपुरा का नया सीएम बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बिप्लब देब की जगह इन्हें सीएम बनाया गया है। कुछ और सीएम वर्तमान में बनाए गए हैं उनके बारे में भी बता दें। तो यूके का नया सीएम यानी उत्तराखंड का नया सीएम पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। गुजरात का नया सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। और
कर्नाटक का नया सीएम बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए इन मुख्यमंत्रियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मलेशिया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इन खेलों की मेजबानी मलेशिया के द्वारा की जाएगी। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको पहले बता दें, 2021 में इन खेलों का आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया था, 2023 में इनका आयोजन कंबोडिया में किया जाएगा, 2025 में थाईलैंड में किया जाएगा, 2027 में मलेशिया में किया जाएगा और 2029 में सिंगापुर में किया जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल प्रति 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। अब आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें कि इसका पहला इवेंट 1959 में बैंकॉक में किया गया था और इन खेलों के हेडक्वार्टर जो है वह बैंकॉक में है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष मई के दूसरे शनिवार को, यानी आंसर होगा 4th मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को भी प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी वर्ल्ड, ये थीम रखी गई है। हाल ही में बालिका सशक्तिकरण मिशन किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये मिशन NTPC के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, NTPC। दोस्तों बात आई है NTPC की, तो आपको बता दें इसका फॉर्मेशन 1975 में किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो दोस्तों थॉमस कप हाल ही में भारत ने जीता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें पहली बार भारत के लिए यह, भारत ने पहली बार यह जीता है। बैडमिंटन का यह थॉमस कप है जिसकी शुरुआत 1949 में की गई थी और भारत ने इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब जीता है। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया इससे पहले 14 बार यह खिताब जीत चुका है, लेकिन भारत ने थॉमस कप पहली बार ही जीता है जो बैडमिंटन का कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ यह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, एंड्रयू साइमंड्स को कौन नहीं जानता। दोस्तों क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, आपको बता दें ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। 46 वर्ष की उम्र में कार हादसे में इनकी मृत्यु हुई। 2003 और 2007 के विश्व कप की टीम का ये हिस्सा थे। दोस्तों वर्तमान यानी प्रेजेंट में कुछ और क्रिकेटर्स की डेथ हुई है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। शेन वॉर्न, रॉडनी मार्स, इनकी भी मृत्यु हुई है जो एक क्रिकेटर थे, और शेन वॉर्न तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच और ईगा स्वेतिक, इन दोनों ने इटालियन ओपन अपने नाम किया है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर होगा। मेल में बात करें तो नोवाक जोकोविच ने और फीमेल में बात करें तो ईगा स्वेतिक, इन दोनों ने इटालियन ओपन अपने नाम किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा ईगा स्वेतेक पोलैंड की रहने वाली हैं और 5वीं बार इनने यह अवार्ड जीता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो दोस्तों UAE का राष्ट्रपति हाल ही में शेख मोहम्मद अल बिन जायद अल नहयान को हाल ही में राष्ट्रपति बनाया गया है। शेख खलीफा जायद अल नहयान की मृत्यु के बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे UAE की है। वर्ल्ड मैप में इसका आदर्श वाक गुड नेशन और प्रेसिडेंट है। राजधानी अबुधाबी है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद हैं। तो ये कुछ फैक्ट हुए UAE के बारे में जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।